क्या आपने कभी सोचा है कि कचरा भी बहुत काम का हो सकता है, इतने काम का जिसकी उम्मीद आप कभी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जब कचरे से कमाल होना शुरू हो जाए तो क्या बात है। BHU में कुछ ऐसा ही कमाल हो रहा है, जी हाँ, जहां प्लास्टिक से डीजल बनाया जा रहा है। चौंकिए नहीं, खबर बिल्कुल पक्की है। देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हर कोई हैरान परेशान रहता है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बहुत दिनों तक सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्लास्टिक से डीजल बनाने की तैयारी है, और जिस रफ्तार से एक्सपेरिमेंट चल रहा है उससे उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्द लोगों की परेशानियां कम होंगी। अगर आप घर में मौजूद प्लास्टिक को इधर उधर फेंक रहे हैं तो ऐसा मत करिए। अब इस प्लास्टिक को जमा कर डीजल भी ले सकते हैं। IIT BHU में प्लास्टिक के इस्तेमाल से डीजल बनाने का काम शुरू हो गया है। इसमें 100% कामयाबी मिलने के बाद जल्द ही बड़ा प्लांट लगाने की योजना है। इसके बाद शहर के लोग यहाँ प्लास्टिक जमा कर डीजल ले पाएंगे। IIT BHU केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर PK मिश्रा के निर्देशन में इस पर काम शुरू हुआ है। के दिमाग में IITs ही थे, किसी और IIT की जगह जब उन्होंने हमें चुना तो हमारे लिए अच्छी बात थी, तो हमने उनको आगे बढ़ के थामा, कहिए कि उनको प्लेटफॉर्म दिया, तो वो प्लांट लग गया। प्लांट लगने के बाद वो पायलट स्केल का प्लांट है, लग चुका है। अब इंटेंशन यही है कि जो हॉस्टल्स में कचरा पैदा होता है प्लास्टिक का, वो लड़के उसको एक जगह इकट्ठा करें, फेंके ना, और फेंक अगर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उससे उनको टोकन दे दिया जाएगा, दैट विल बी अ वैल्यू फॉर देम। और जब उस प्लास्टिक से ऑयल कन्वर्ट होगा तो हम ऑटो चलवाएंगे या कुछ चलेगा, तो उससे उनको फ्री राइडिंग हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे वो प्लांट यहाँ पर लगा है और उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, लेकिन अभी ट्रायल के दौर में है। 100% जब हो जाएगा तो हम उसको अपस्केल करने की और सोचेंगे। पिछले साल मई महीने में ही IIT BHU और अमेरिकी संस्था रिन्यू ओशन से करार के बाद अब प्लांट भी लग गया है और इस पर काम शुरू हुआ है। यह किसी भी तकनीकी संस्थान में लगने वाला पहला ऐसा प्लांट है जहां प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाया जाएगा। यही नहीं, विभाग परिसर में लगे प्लांट से निकलने वाले डीजल से ऑटो भी चलाया जा रहा है। बेसिकली हम लोग हॉस्टल से प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, वहीं पर सेग्रीगेट कराकर, और फिर अपने एग्लोमरेटर की एक मशीन है, उस एग्लोमरेटर में एग्लोमरेट करते हैं उस प्लास्टिक को, जो कि फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हम उसको अपने कन्वर्जन यूनिट में डालते हैं, उससे डीजल प्रोड्यूस करते हैं। ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, जो टाइप ऑफ फीड जो हम डाल रहे हैं और जिस तरह का डीजल प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब कुछ अभी एक पायलट टेस्टिंग फेज में चल रहा है। औसतन 2 दिन में 10 से 15 किलोग्राम प्लास्टिक के इस्तेमाल से 7 से 8 लीटर डीजल निकल रहा है। अगर ये प्रयोग कामयाब हो जाता है तो जरा सोचिए, बढ़ती महंगाई और प्लास्टिक से नुकसान के बीच जब प्लास्टिक से ही डीजल बनने लगेगा तो कितना फायदा होगा। वाराणसी से R9 TV के लिए राजू श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।